तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन क्या था हमारा। तो ये जो मेनली दो दो क्वेश्चन जो हमने आज किया है ना, तो ये मेनली हम लोग उसको कहाँ पे फिट कर सकते हैं, GS1 के अंदर। ठीक है, ठीक, GS1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में ये फिट हो सकता है और हिस्ट्री वाले पोर्शन में फिट हो सकता है। ठीक है, तो मेनली GS1 में फिट हो सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल। ठीक है, तो मेनली क्या कि चोला के टाइम में जो टेम्पल डेवलपमेंट का काम हुआ ना, तो उससे और क्या क्या एक्टिविटी जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे टेम्पल जो था, टेम्पल ने अपना एक कैसे इकोसिस्टम बनाया था, उससे क्या क्या चीज़ रिलेटेड था। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रीव अराउंड टेम्पल। तो मतलब वो सब क्या चीज़ है, तुम्हें क्यों लगता है कि जो टेम्पल्स के अराउंड जो टाउन डेवलपमेंट हुआ क्यों हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा जो मिले हिस्ट्री के अंदर जो पढ़ेंगे ना, तो जो मेरा टाउन डेवलपमेंट हुआ है ना, तो तीन चार टाइप का टाउन होता है। एक क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, मतलब तो क्या कि जहाँ से राजा वगैरह जो रूल करता था वो एक मेन टाउन बना। ठीक है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया, जहाँ पे राजा कैपिटल हो रहा है वो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड जो था, एग्जाम्पल ट्रेड जैसे मथुरा हो गया। ठीक है, सब ट्रेड रूट था एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे सिटी डेवलपमेंट हुआ। तो टाउन जो होता है वह तो या तो वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होगा। ठीक है, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, बाद में फिर लोगों ने वहाँ पे बसना स्टार्ट किया तो फिर वो टाउन बन गया। ठीक, या तो रिलीजियस होगा, ठीक है, या फिर वो ट्रेडिंग सेंटर होगा, या फिर वो और मतलब ट्रेडिंग रूट पे होगा। ठीक, इस टाइप का चीज है। तो यहाँ पे पूछा कि ऐसा क्या था कि टेम्पल के आसपास टाउन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो ओके एग्जाम के अंदर भी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का जो पहला आंसर है हमारा, सेकंड, तो जो हमारा पहला आंसर है देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, और फिर एक्टिविटीज विद द चोला टेम्पल, द चोला टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली फॉर वर्कशिप बट ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिटिकल विस्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, चोला टेम्पल इज द सेंटर फॉर द सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देयर टेम्पल इन द चोला सेंटर। इतना अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल हु इंगेज इन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो प्रेजेंट इन चोला टेम्पल लाइक देयर म्यूजिशियन, द चोला टेम्पल आर द सेंटर फॉर द एक्टिविटीज। एक ही बात को और बार बार रिपीट करके यहाँ लिखा गया। देखो मेनली क्या था, देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम क्या होगा कि इसको हम दो से तीन पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा कि हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे कि क्या पूछा है, पर्टिकुलरली क्या पूछा है इसमें, चोला टेम्पल। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे चोला डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है ना कि एक्टिविटी चार पांच ही होगा, तो हम लोग को आंसर बड़ा लिखना है। ठीक है, तो वैसे भी क्या हो रहा है कि एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पे हम कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग चोला डायनेस्टी का थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये बताएंगे उसका लिंक कैसे करेंगे उस चीज को, कि चोला डायनेस्टी के ने ये काम किया, इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद उसको लिंक करेंगे क्या कि उसके टाइम में ये टेम्पल मतलब टेम्पल बिल्डिंग का भी काम हुआ। ठीक है, उसके बाद टेम्पल ने कैसे कैसे एक्टिविटीज को प्रमोट किया, फिर उसको लिंक करके फिर हम स्टेज पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खासा इंट्रोडक्शन चोला डायनेस्टी का यहाँ होता, तो ये यहाँ पर मिसिंग है, तो डायरेक्टली इस पे आ गए। अब प्रॉब्लम ये होगा डायरेक्टली अगर आप टेम्पल पे आ जाओगे ना, क्वेश्चन में जो बोला गया है डायरेक्टली आप वही लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके पास वर्ड्स लिमिट मतलब वर्ड्स नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, और थोड़ा आंसर भी थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसीलिए तो समझ में आ गया ना, हिस्ट्री के अंदर जब भी किसी डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे उस डायनेस्टी का। ठीक, चलो अगला देखते हैं। हाँ, What were the activity associated with Chola temple? Chola kingdom was situated at the bank of Kaveri river. Situated नहीं और located होगा यहाँ पर, situated यहाँ word ठीक नहीं है, established भी हो सकता है यहाँ पे, from the last 15th to 11th century। अब देखो यहाँ पर इस टाइप का डेटा देने से प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, चोला डायनेस्टी जो था ना हमारा, वो कोई सिंगल डायनेस्टी नहीं था, वो मतलब इसके वो पहले क्या था कि हमारा वो साउथ इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या होता है ना कि तीन चार ऐसे डायनेस्टी है जो कि बहुत लंबे टाइम तक रूल करते हैं और दो पार्ट में रूल करते हैं। एक क्या होता है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी के आसपास रूल करते हैं, बट बाद में क्या होता है कालबेरी पीरियड आ जाता है, तो वहां पर उनका रूल चला जाता है, तो फिर वो छोटे मोटे लेवल पर रूल करते हैं। फिर विद द टाइम क्या होता है 9th 10th सेंचुरी के आसपास आते आते क्या होता है कि वो फिर अपने आप को बड़ा बनाते हैं एक्सपेंड करके, तो चोला डायनेस्टी भी वही चीज है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ उन्होंने रूल किया था 10th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक, इसलिए बोला जाता है ना कि जितना भी नंबर्स ऑफ फैक्ट्स से आप दूर रहो तो इतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी भी नहीं था देना, इसको आप रिप्लेस कर सकते थे किसी चीज से।
राजा चोला एंड राजेंद्र चोला वेर द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ चोला किंगडम, दे मेड तंजोर एंड कंग कुंडा चोला रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन चोला किंगडम टेम्पल वॉज द हेलो। नेकलेस ऑफ द, हाँ हेलो, हाँ मतलब अगर हम किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लोग करें ही नहीं कि ये 10th सेंचुरी से थे या 11th सेंचुरी, मतलब कोई भी सेंचुरी ना डालें तो पूरी हिस्ट्री कोई में, अल दिक्कत, सपोज करो कोई हम कोई हाँ जैसे कि हम हाँ किसी एग्जाम को लिख रहे हैं और हमने उसके किसी भी क्वेश्चन में डाला ही नहीं है कि हमने कोई मतलब देखो सेंचुरी वर्ड वगैरह, तो भी डिपेंड गलत। डिपेंड कर, हाँ डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कुछ और है, चोला टेम्पल की एक्टिविटीज फाउंडेशन करना है, ठीक है, उसके आसपास क्या एक्टिविटीज था। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो फोकस पॉइंट है हमारा चोला का टेम्पल, तो मेनली जो कॉन्टेंट है, तो कॉन्टेंट के अंदर हमारा चोला के टेम्पल से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, तो वो हमें मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, वो तुम मेंशन करो या ना करो, वो मार्क्स हमें नहीं दिलवाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनर्स क्या है, प्री के, अगर आप प्री पास करके जा रहे हो तो उसको ही पता है, किस बच्चे को पता होगा कि अप्रोक्स क्या है क्या नहीं, कौन सा किंग सेंचुरी में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने बस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है, 150 वर्ड या 250 वर्ड मेडिकल होता है तुम्हारे पास। ठीक, तो 150-250 में तुम क्या क्या लिखोगे इलेबोरेट करने पर। इसलिए क्वेश्चन का जो मेन फोकस पॉइंट है उस पर फोकस करना है, क्योंकि मार्क्स जो है क्वेश्चन का कंटेंट दिलवाएगा, इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि राजा राजा चोला राजेंद्र चोला अगर मेंशन नहीं भी करता तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो फोकस है क्वेश्चन का डायरेक्टली क्या है कि चोला टेम्पल से क्या क्या एक्टिविटी एसोसिएट थी। ठीक है, तो मैं पूरा तुम मतलब जन्म कुंडली लिख दो चोला एम्पायर का, उससे मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मार्क्स मिलेगा वो चोला टेम्पल से क्या क्या एक्टिविटी एसोसिएट था उससे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन को समझना, उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। अगर ऐसे कहीं मतलब जैसे कि हमने चोला टेम्पल की वो लिखी, हमने एक्टिविटीज लिखी, तो वो बहुत मुझे लगता है कम हो जाएगा, और वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग तो ये नहीं लगेगा उन्हें कि ये वर्ड लिमिट कम है। अब वो वर्ड लिमिट कैसे कम, वो डिपेंड करता है ना, बताऊंगा। ठीक है, वो ये सब क्वेश्चन जो थोड़ा है ना, ये लास्ट में पूछना, एक बार मैं अपना आंसर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सब क्वेश्चन का जवाब वहां से मिल जाएगा कि कैसे लिंकेज करते हैं चीजों को। ठीक है, क्योंकि एक दो पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट। देखो हिस्ट्री क्या होता है ना, हिस्ट्री फैक्ट्स के बारे में नहीं होता है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक फैक्ट दिया है, उसके उसको तुम जितना इंटरप्रेट कर पाओ वो होता है। वो जमाना गया जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मतलब होता था, हिस्टोरी का मतलब होता था हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप याद करो बस, वही खत्म। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल कि मेडिवल के अंदर तुमने क्या पढ़ा कि अलाउद्दीन खलजी ने एक सिस्टम बनाया था, जिससे क्या था, बंजारा जो था वो ग्रेन ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आएगा कि रोल ऑफ बंजारा इन द मेडिवल इंडिया, तो वहां पर सिर्फ तुम ये नहीं लिखोगे ग्रेन वो लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी में था। ठीक, ऐसा नहीं करोगी, वहां पर हिस्ट्री के अंदर भले ही नहीं लिखा हो, लेकिन तब भी तुम क्या करोगे, जब वो गांव से आ रहे थे, लिंकेज का उन्होंने काम कैसे करा, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, जिन्होंने कहीं ना कहीं हेट्रोजिनिटी मतलब कल्चर प्रमोट किया, कंपोजिट कल्चर प्रमोट किया, जिसके कारण सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस आया, कंपेशन आया, एम्पैथी आया। ठीक है, वो जो रूरल अर्बन जो गैप था वो गैप कम हुआ। ठीक है, वो सब चीज इंटरप्रेट करके वहां डालना पड़ेगा। तो हिस्ट्री क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसको आप याद कर लो, वो जमाना गया, इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, जहाँ पे आपको चीजों को इंटरप्रेट करना पड़ता है। एक कॉमन एग्जांपल क्या देता हूँ मैं, एक शायद 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन ये था ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ठीक है, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सब क्या आसपास ही डेवलप हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मतलब अंश है, रिमेन्स है, ठीक है, वो हमें मिलता है प्रैक्टिसेज में, ना कि वो मेटलिस्टिक चीज, प्रैक्टिसेज में, कि उस टाइम में जो प्रैक्टिस लोग करता था वो कहीं ना कहीं आज भी कर रहा है। ठीक, लेकिन वही दूसरी तरफ मेसोपोटामिया का हुआ, इजिप्ट का हुआ, वो प्रैक्टिसेज देखने को अभी नहीं मिलता है। अब बताओ यहाँ पे क्या था, 3 अलग अलग सिलेक्शन का क्या था कि तुमको कंपेयर कंपेयर करके वहां दिखाना था। ये किसी भी बुक के अंदर, किसी भी बुक के अंदर ये कंपेयर करने वाला चैट चार्ट तुमको नहीं मिलने वाला। ठीक है, और ये भी नहीं मिलने वाला है कि उस टाइम में कौन सा प्रैक्टिस था, अभी कौन सा प्रैक्टिस चल रहा है, ये भी कंपेयर वाला नहीं मिलेगा। इसको तुमको इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चोला किंगडम टेंपल वाज द नेकलेस ऑफ द टाउन, मेन एक्टिविटीज अपेरेंट द किंग ऑफन गिव लैंड ग्रांट टू द टेंपल अर्न मनी फ्रॉम दोस लैंड ग्रांट ऑफन यूज फॉर द प्रिस्ट कुक स्वीपर एक्सेट्रा, किंग्स मेड टेंपल इन ऑर्डर टू शो देयर डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, इतना किंगडम भेज इतना मनी प्लान फ्रॉम द किंगडम। इसने एक तो एक पॉइंट के ऊपर ही किया कि टेम्पल ने रिलीजन फैक्ट के ऊपर इसने मतलब एक टाइप से फोकस ज्यादा किया है, तो डाइवर्सिटी नहीं इसके अंदर, क्योंकि टेम्पल जो था वो सिर्फ रिलीजियस काम के लिए नहीं था, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी था, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी था, आर्ट एंड कल्चर भी प्रमोट करता था। ठीक है, बहुत कुछ था वो आगे देखने के लिए। व्हाई डू यू थिंक दैट टाउन ग्रो अराउंड अ टेम्पल इन मेडिवल पीरियड। अब देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई पीरियड इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, कोई भी पीरियड नहीं दिया है। ठीक,
अब देखो यहाँ पे गलती क्या क्या, हिस्ट्री के अंदर क्या होता है ना कि जो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या, ओपन क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई पीरियड नहीं दिया, एंशिएंट मेडिवल कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि टाउन ग्री अराउंड टेम्पल, क्योंकि ज्यादातर टेम्पल जो हमारा बना एंशिएंट टाइम में मिला बनाया, ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट टाइम से, ठीक है। इन मेडिवल पीरियड मेनी टाउन्स ग्रू अराउंड अ टेम्पल बिकॉज, यहाँ पे एंशिएंट से स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा होता। एट दैट टाइम टेम्पल वेर नॉट ओनली कल्चरल सेंटर बट ऑल्सो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंटर एज वेल। किंग प्रोवाइडेड लैंड ग्रांट टू द टेम्पल अथॉरिटी सो द पीपल हुज ऑक्यूपेशन वाज रिलेटेड टू अ टेम्पल एक्टिविटी। नहीं, इस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ गायब है। सबसे पहली चीज तो क्या, टेम्पल बनने के टाइम में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि 1-2 साल में तो बनता नहीं ना टेम्पल, तो मतलब तो 20-25 साल लगते हैं टेम्पल बनने में, ठीक है। मतलब 100 ऑफ 100 ईयर्स कंटिन्यू काम चलते रहता है, तो क्या होगा कि नॉर्मल से बात है कि जो लोग काम करेगा उतना 10-10 साल उनको रहना है वहाँ पे, तो नॉर्मल से बात है वहीं पर अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर लेगा, एक वो लोग होगा। या टेम्पल बनने का क्या होगा, टेम्पल बनेगा तो उसको रेगुलर इंटरवल पर फूल चाहिए, फल चाहिए, प्रसाद के लिए भोग चाहिए, फिर ईयरली मेला होता है तो उसके लिए फूड ग्रेन चाहिए, वो सब चाहिए। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली कि रेगुलर सप्लाई होगा तो वहाँ पे लोग जो सप्लाई करेंगे वो बसेंगे वहाँ पर, ठीक। टेम्पल होंगे तो श्रद्धालु लोग आएंगे, वो सामान खरीदेंगे, फूल वूल तो उनको बेचने के लिए लोग वहाँ पे आके आसेंगे बसेंगे, ठीक है। फिर जब अल्टीमेटली क्या होगा, एक मार्केट बन जाएगा वहाँ पे, तो और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, दूर दूर से ट्रेडर्स आएंगे तो वो फिर वहाँ बस जाएंगे। तो बहुत कुछ रिलेट करके लिखना पड़ेगा, तो इसने सिर्फ रिलीजियस चीज के ऊपर ही फोकस किया एक टाइप से, ट्रेडिंग एक्टिविटीज। 200 वर्ष तो खैर लिमिट तो पूरा है ही नहीं, फिर ये बाद में देख लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से क्रॉप कर लिया करो। और बिल्ट बाय द चोला डायनेस्टी दिस वेयर लोकेटेड मिली तमिलनाडु। अच्छा देखो, ये तुम्हें लग रहा है कि जो तुमने वर्ड सेलेक्ट किया पे बिल्ट बाय द चोला डायनेस्टी, ये मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन के लिए सही वर्ड है, ये बहुत इनफॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं टेम्पल्स बिल्ड ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी, ठीक होता है, लेकिन बिल्ड बाय द ये थोड़ा मतलब इनफॉर्मल हो जाता है दोस्त लोगों के लैंग्वेज में बात करने का तरीका में, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए लाइन सही नहीं है। हिस्टोरिकल इवेंट्स दे लाइट ऑन द टेम्पल वॉल, ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। व्हाट वेयर द वेरियस सोशल एंड इतना चोला डायनेस्टी वेर वेल नोन फॉर इन एक्टिविटी ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो सही दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन का पूछ रहा है other activities also garland makers workers musician dancer देखो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था कि चोला डायनेस्टी के आसपास क्या एक्टिविटीज था, मतलब टेम्पल्स एसोसिएटेड। ये लगभग 60% जो तुम्हारा आंसर है, 60 या 50% जो तुम्हारा आंसर है वो सिर्फ चोला डायनेस्टी के बारे में दिया है, ठीक है। वो जरूरी था लेकिन उसको इंट्रोडक्शन को 20-25% तक लिमिट रखो, बाकी 75% जो था वो तुम्हें इसके बारे में लिखना चाहिए था। तो ये पॉइंट्स इनकम्प्लीट है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है इसका, थोड़ा अच्छा हो सकता था। हाँ, 1-2 पॉइंट अच्छा है ये वाला, खासकर हिस्टोरिकल इवेंट्स को राइट डाउन करने के नाम में होता था, ये पॉइंट मेरे आंसर में भी मिसिंग है वैसे, लेकिन ये उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया था। टेम्पल वेयर नॉट जस्ट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट दे वे प्रोमिनेंट हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटी। अच्छा इंट्रोडक्शन है, यहाँ बस ये लगा लेना। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर टाउन टू ग्रो अराउंड टेम्पल वॉज वर्क अपॉर्चुनिटी, इसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कर लेना, ठीक है। वेन किंग बिल्ट टेम्पल देखो तुमने 2 रीजन में इसको समेट दिया ना, इसी को तुम 4-5 बना सकते हो, ठीक है। चोला के टाइम में टेम्पल का क्या क्या एक्टिविटीज था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि चोला का थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा हमें, ठीक।
तो चोला एम्पायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स इन द हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया, ठीक है। मैं किसी डेट वेट पर चक्कर नहीं पड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ से, क्योंकि एग्जाम के अंदर 7 से 8 मिनट के अंदर कुछ भी याद नहीं आता, ठीक है। तो जितना सिंपल प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल मतलब रिफ्लेक्ट होगा उस समय क्वेश्चन देख के। तो चोला एम्पायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया, विद द हेल्प ऑफ देयर पावरफुल आर्मी दे एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरियल एरिया इन द डेक्कन रीजन। चोला रूलर्स वे आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेज एंड विद देयर हेल्प दे एस्टैब्लिश देयर रूल इन नॉर्दर्न श्रीलंका, सुमात्रा एंड अदर आइसलैंड्स। दे वर ऑल्सो नोन फॉर देयर विलेज ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। विलेज लेवल बॉडीज हैड इनफ पावर टू डिसाइड ऑन मेनी लोकल इश्यूज, इवन रूलर्स कुड नॉट इंटरफेयर इन देयर वर्क, ठीक। अब मेरे क्या हुआ, देखो मैंने क्या बताया, डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। अब क्या हुआ, तुमने एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो किसी इंसान ने मान लो वहाँ पर डेट मेंशन किया है 7th century 8th century ऐसे, और किसी ने यहाँ पे फैक्ट्स किया है, तो मेनली पॉइंट क्या है, चोला के अंत में क्या काम हुआ, इंट्रोडक्शन में क्या होता है किसी का काम, ना कि डेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो काम पे फोकस करो तो वो ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट बनता है, ज्यादा अच्छा मार्क्स दिलवाता है, ठीक। जिससे लगता है कि नहीं बच्चों को पता है, उसने अच्छे डिटेल में फैक्ट्स बताया, ठीक है। क्योंकि वो रटने वाला जो 7th 8th century तो कोई भी लिख सकता है, ठीक। लेकिन ये सब जानने के लिए थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए, था कंटेंट वाला चाहिए, ठीक है। तो एग्जामिनर के माइंड में आता है इंट्रोडक्शन पर कि नहीं इसके पास थोड़ा मतलब डेप्थ नॉलेज, ये बच्चे ने आंसर अच्छा आंसर लिखा होगा, तो उसका जो मूड होगा कि मतलब आंसर के बारे में, ठीक है, आंसर के बारे में जो उसका टोन होगा, जो मतलब थिंकिंग होगा, वो इंट्रोडक्शन पढ़ के सेट हो गया होगा, ठीक है। बाकी उतना फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में कंक्लूजन देख के उसका मार्क्स देगा वो, क्लियर है। तो इसलिए फोकस करो कॉन्टेंट के ऊपर, ये सब नंबर्स में फैक्ट्स में ये सब मत फंसो। चोला रूलर्स ऑल्सो प्रमोटेड टेम्पल बिल्डिंग, क्या हुआ? ओके बोला, ठीक है। चोला रूलर्स आल्सो प्रमोटेड टेंपल बिल्डिंग, मेनी मैग्निफिसेंट टेंपल्स वेर मेड ड्यूरिंग देयर रूल एट कावेरीपट्टनम, मदुरई एक्सेट्रा। जहां पर टेंपल बना उस जगह का नाम तो देना ही पड़ेगा आंसर में ना। दीज टेंपल्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एज रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स। कैसे, अब देखते हैं। टेंपल बिल्डिंग हेल्प द किंग इन प्रमोटिंग देयर लिंक विद गॉड, and even many rulers adopted titles to establish themselves as the descendant of gods. This promoted political stability as people often compare rulers with god and according to them criticizing a ruler means criticizing god. ठीक, जिससे क्या मंदिर बनवाया, इसका होता क्या कि उसने खुद को बताया देखो मैं भगवान का descendant हूं, उनका वंशज हूं, तो इसलिए मैंने मंदिर बनवा दिया। इससे क्या हुआ कि उनका सोसाइटी के अंदर या फिर खुद के लोगों के अंदर अपना अपने आप को एज अ गॉड का अवतार उन्होंने वो मतलब पेश किया, या उनका वंशज। टेम्पल इंक्रीज द सोशल स्टेटस ऑफ ब्राह्मण्स, तो कहीं ना कहीं जो टेम्पल था उसने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को और मजबूत किया। कैसे, टेम्पल इनहेंस द सोशल स्टेटस ऑफ ब्राह्मण्स एज दे हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज द टेम्पल, इट्स रिसोर्सेज, वेल्थ एंड अदर एक्टिविटीज। दिस फर्दर प्रमोटेड वर्णा एंड कास्ट हायरार्की इन सोसाइटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो था, कास्ट हायरार्की था, ये भी मजबूत हुआ टेम्पल के कारण। टेम्पल्स नीडेड फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन डेली बेसिस। This provided economic opportunities for people living in nearby villages. These new opportunities provided them with a market and also provided improved their income and standard of living. Temples provided employment to many skilled people like dancers, musicians, actor and actress of drama, etc. This also protected and promoted the art, culture, heritage of the area. Many unskilled workers were also employed at temples. At sweepers, washermen, cooks, vendors, etc. Temple management was also involved in banking activities. They lent money and also provided safe deposit facilities when a person visit out of town. They also played an important role in promoting trading activities as many temples were the part of hundi system. Rulers donated huge areas of land to temple. In those land, agriculture, tax rate, administration, welfare work like irrigation and tank, judicial system, etc. were regulated by the temple management. Ancient temples were not only made for religious activities, as they played an important role in the socio-economic development of the area by creating new economic opportunities for people by providing many direct and indirect job opportunities, ensuring political stability, providing local level administration through temple management, and also help in preserving and promoting the rich history and heritage for the society of the society. Clear? इसमें देखो मैंने क्या क्या दिया, टेम्पल से क्या क्या चीज एसोसिएटेड था। पहला तो क्या कि किंग का स्टेटस, वो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक। कहीं ना कहीं
एक ब्राह्मण का स्टेटस था वो भी मैंने बता दिया यहाँ पर। फिर टेम्पल के काम क्या हुआ कि आसपास के लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है, वो बता दिया। जैसे क्या उनका मार्केट मिला, इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हुआ, ठीक। फिर क्या कि टेम्पल ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, ठीक है, फिर कल्चर प्रोटेक्शन किया, हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम किया, ठीक। उसके बाद टेम्पल ने क्या कहा, बैंकिंग बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर भी टेम्पल इन्वॉल्व था, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, वेलफेयर वर्क में भी इन्वॉल्व था। तो इससे क्या हो रहा है कि आंसर के ना डाइवर्सिटी है, क्लियर है। हेलो, और लास्ट में सबका समअप कर दिया मैंने। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ना तो कोई डेट यूज किया है, ना तो नाम यूज किया, क्योंकि मैंने कंटेंट पे फोकस किया, ठीक है। अब इस आंसर में पढ़ के मतलब कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि नहीं बच्चे को नहीं पता। मेरे क्या देखो क्या होता है ना, आंसर लिखते टाइम जरूरी नहीं कि हमारे पास सब फैक्ट्स हो, सब नॉलेज हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारे पास इतना तो सफिशियंट नॉलेज हमारे पास होता है कि जो हमें हमें याद नहीं आ रहा है, जो हमें पता नहीं है, ठीक है, उसको हम आराम से और अच्छे से मतलब रिप्लेस कर सके दूसरे चीजों के साथ, ठीक है। दूसरा देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक टाउन ग्रू अराउंड टेम्पल। तो सिंस एंशियंट टाइम्स टेम्पल्स हैव नॉट ओनली प्रमोटेड रिलीजियस एक्टिविटीज बट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया बाय क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल बाय प्रोवाइडिंग मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रोवाइडिंग लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू टेम्पल मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द रिच हिस्ट्री एंड द हेरिटेज ऑफ सोसाइटी। तो टेम्पल का क्या क्या फायदा वो लिख दिया हमने, पिछले वाले का ही मैंने यहाँ पे वो कर दिया। टेम्पल आसपास क्यों ग्रो हुआ, मेनी टाउन्स ग्रो अराउंड टेम्पल ड्यू टू सेवरल रीजंस। क्या क्या रीजन था, टेम्पल कंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेनी वर्कर्स डिसाइडेड टू सेटल इन द नियर बाय एरियाज एज द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स। Temples needed flour, fruits, grains, and other important things on daily basis. This provided economic opportunities for the people. So they decided to live near a temple. These new opportunities provided them with a market and also improved their income and standard of living. इसलिए लोग वहाँ पे बसा। Temples provided employment to many skilled people like dancer, musician, actor, and actress for drama. This also protected and promoted. ठीक है, प्रमोटेड द आर्ट कल्चर से, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग वहाँ पे माइग्रेट होकर जाने लगे, जो आर्टिस्ट लोग थे, ठीक है। देयर फॉर मेनी पीपल इमाइग्रेटेड एंड सेटल्ड अराउंड द टेम्पल, मेनी अनस्किल्ड वर्कर्स वेर ऑल्सो एम्प्लॉयड एट टेम्पल एट स्वीपर, वॉशरमैन, कुक, वेंडर सेक्टर, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू सेटल अराउंड द टेम्पल, ठीक। टेम्पल मैनेजमेंट वॉज वही वही है, ठीक ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी था, बैंकिंग एक्टिविटी में था, ठीक है। तो दिस डेवलप द एरिया एज अ ट्रेडिंग सेंटर एंड मार्केट, रूरल्स डोनेटेड ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड टू टेम्पल इन दोज लैंड एग्रीकल्चर, दिस प्रमोटेड द टेम्पल एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हब एंड अट्रैक्टेड मेनी ग्रुप टू लिव नियर द टेम्पल। तो क्या क्या रीजन था लोग आखिर टेम्पल के पास बसा, क्यों, टेम्पल बनने के टाइम में उनको रोजगार मिलता है इसलिए बसा। सेकेंड, रेगुलर डेली बेसिस पर टेम्पल को कुछ सामान चाहिए था, सामान सप्लाई करने के लोग चाहिए था, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखा तो लोग इसलिए वहाँ आके बसा, ठीक है। थर्ड, वहाँ पे क्या था कि टेम्पल ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, लाइक एग्जाम्पल जो आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड लोग थे, जो एक्ट्रेस थे ड्रामा के, ठीक है, डांसर से म्यूजिशियन थे, उनको एक मौका मिला, तो वो लोग माइग्रेट होकर वहाँ पे गए, वो लोग बसे वहाँ पर, ठीक है। जो मतलब छोटे मोटे काम करने वाले जो थे, एग्जाम्पल, ठीक है, स्वीपर हुए, ये सब भी टेम्पल ने एम्प्लॉयमेंट किया, तो वो भी वहाँ पे जाके रहे, ठीक। उसके बाद बैंकिंग एक्टिविटीज वहाँ पे था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज था, तो फाइनेंशियल हब बन गया टेम्पल, इसलिए लोग वहाँ जाके बसे, ठीक है। फिर लास्ट में वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बना था, इसलिए लोग जाकर वहाँ बसे, ठीक है। दी अबव फैक्टर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टाउन अराउंड टेम्पल्स एज With the time, temples became an important part of the people's socio-economic structure and provided opportunity to people. Clear? तो मतलब क्या था कि क्यों बसे जाके वो सब यहाँ पे था, तो मेनली क्या था कि जो क्वेश्चन बोला गया ना उस पर फोकस करना, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मतलब बहुत लोग क्वेश्चन को समझते भी नहीं है, और एग्जाम में अगर टाइम भी नहीं मिलता है क्वेश्चन ठीक से पढ़ने का या समझने का, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो।